एशिया कप 2023 के लिए टीम इंडिया के स्क्वाड में शिखर धवन को नहीं रखा गया, उस खिलाड़ी को जिसका आईसीसी टूर्नामेंट्स में रिकॉर्ड शानदार है। रोहित शर्मा और शिखर धवन ने ओपनिंग करते हुए बनाए हैं 5148 रन्स। दोनों के बीच 18 टाइम्स 100 या उससे ऊपर की पार्टनरशिप हो चुकी है और 15 टाइम्स 50 या उससे ऊपर की पार्टनरशिप हुई है, फिर भी शिखर धवन को स्क्वाड में नहीं रखा गया। कई लोग कारण ये भी देते हैं कि 2019 के बाद से उनकी परफॉर्मेंस में गिरावट आई है, लेकिन 2019 के बाद से उनका ODIs में एवरेज 40 से ऊपर का है। बट इट इज व्हाट इट इज, शिखर धवन स्क्वाड में नहीं है और अभी ऐसा लगता है कि शिखर धवन शायद अब टीम इंडिया में कभी कमबैक नहीं कर पाएंगे। इट सीम्स लाइक इट्स द एंड ऑफ द रोड फॉर शिखर धवन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रोहित शर्मा और शिखर धवन के बीच तीन बेस्ट पार्टनरशिप के बारे में। So without any further ado, let's start the video. Number 3 पर है India vs Australia 2013। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए बनाई 350 विद अ लॉस ऑफ 6 विकेट्स। जॉश बेली और शेन वॉटसन ने कमाल की इनिंग्स खेली। अब टारगेट बड़ा था इंडिया के सामने, लेकिन जब शिखर धवन आपकी टीम में हो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। रोहित शर्मा शिखर धवन के बीच हुई 178 रन्स की पार्टनरशिप। शिखर धवन स्कोर्ड 100 रन्स एंड रोहित शर्मा ही स्कोर्ड 79 रन्स। फिर विराट कोहली ने मिडिल ऑर्डर में कमाल की इनिंग्स खेली, ही स्कोर्ड 115 रन्स और टीम इंडिया ने इस मैच को बहुत आराम से जीता बाय 6 विकेट्स। इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया 2019। इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए बनाई 358 विद अ लॉस ऑफ 9 विकेट्स। एक बड़ा टोटल था ऑस्ट्रेलिया के सामने और शिखर धवन ही प्लेड अमेजिंगली वेल, ही स्कोर्ड 143 रन्स और रोहित शर्मा ने बनाए 95 रन्स। दोनों के बीच पार्टनरशिप हुई 193 रन्स की, लेकिन शिखर धवन की इनिंग्स टीम के काम नहीं आ पाई। ऑस्ट्रेलियन बैटर्स ने कमाल की बैटिंग की और इस मैच को बहुत आराम से जीता बाय 4 विकेट्स। एशिया कप 2018 सुपर फोर का मैच इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए बनाई 237 विद लॉस ऑफ 7 विकेट्स। जवाब में शिखर धवन और रोहित शर्मा के बीच हुई पार्टनरशिप 210 रन्स की। शिखर धवन स्कोर्ड 114 रन्स एंड रोहित शर्मा अनबीटन 111 रन्स और टीम इंडिया ने इस मैच को बहुत आराम से जीता था बाय 9 विकेट्स। तो गाइस ये थी वो रोहित शर्मा और शिखर धवन की तीन टॉप पार्टनरशिप्स। इन तीनों में से आपको सबसे बेस्ट पार्टनरशिप कौन सी लगती है और क्या आपको लगता है शिखर धवन को स्क्वाड में होना चाहिए था? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और कमेंट करने से मत भूलना। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दो। टेलीग्राम चैनल होकर नहीं आए तो होकर आओ, यू वोंट बी डिसअपॉइंटेड। मैं चलता हूँ, मिलूंगा आपसे फिर एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।